गाइस वेलकम बैक टू टेक एक्सपर्ट सेंटर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सैमसंग दुनिया की नंबर वन कंपनी किस तरीके से बन चुकी है। सैमसंग की इस हिस्ट्री के बारे में आपको बताएंगे कि सैमसंग कहां से लेके आज किस लेवल पे पहुंच चुका है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, हम आपको इस वीडियो में सैमसंग के बारे में पूरी डिटेल में बताते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी स्थापना सन 1938 में की गई थी। इसके जो फाउंडर है ली बिल चुंग, उन्होंने इसकी स्थापना की। सैमसंग पहले एक फिश एंड फूड वाली फूड सर्विस देती थी, फूड बेचती थी, और धीरे धीरे उन्होंने ग्रोथ की। इसके जो फाउंडर थे उन्होंने धीरे धीरे हर चीज़ में अपना बिजनेस को डेवलप किया। सैमसंग ने हर चीज़ में, चाहे वो क्लोथिंग हो, इलेक्ट्रॉनिक चीज़, होम की, घर की चीज़ें, हर चीज़ में सैमसंग ने प्रोडक्ट बनाया और उन्हें सेल किया। धीरे धीरे सैमसंग आगे बढ़ता गया और इसके ओवन, हर चीज़, सबसे ज़्यादा टीवी, लैपटॉप एंड कंप्यूटर बढ़ते गए। इलेक्ट्रॉनिक में आने के बाद इसने अपने नए फोन लॉन्च किए और जो कि बहुत अच्छे रहे। सैमसंग के ए सीरीज, एम सीरीज, एफ सीरीज, तीनों सीरीज उन्होंने लॉन्च किया, जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल सीरीज रही ए सीरीज। ए सीरीज के फ़ोन बहुत अच्छे लेवल के रहे सैमसंग के, और इस तरीके से सैमसंग के फ़ोन और कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक, हर चीज़ में योगदान दिया है। सैमसंग पार्ट्स भी बनाते हैं, मोबाइल्स के पार्ट्स सैमसंग के ही, मोस्टली ज़्यादातर पार्ट्स सैमसंग ही बनाता है। सैमसंग कंपनी जहाज भी बनाता है एंड इसके युद्ध में जो भी जहाज होते हैं सैमसंग कंपनी वो भी बनाती है। आई होप क्योंकि आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से सैमसंग आज हर जगह के प्रोडक्ट बना रही है। डू यू नो, ये सैमसंग की इस तरीके से हर इंडस्ट्री में अपने आप को, प्रोडक्ट को लॉन्च करना, उसे अच्छा साबित करना, ये कमाल की बात है सैमसंग की। अगर हम सैमसंग की जो फाउंडर थे उनकी डेथ हुई 1987 में, उनकी डेथ होने के बाद सैमसंग को बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि जो उसके फाउंडर थे उन्होंने बहुत मेहनत करके सैमसंग कंपनी को इस लेवल पे ले गए थे। फिर उनके बेटे ने इस काम को संभाला और आज सैमसंग को उन्होंने देखा कि किस तरीके से सैमसंग आगे बढ़ेगी, किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो उन्होंने इस बिजनेस को इलेक्ट्रॉनिक में रखा और उसके बाद उन्होंने फ़ोन पार्ट्स एंड लैपटॉप, मोबाइल, हर चीज़ सैमसंग के बनाने लगे। वॉच, ये हर चीज़ में सैमसंग बनाता रहा और वो बहुत अच्छे तरीके से, लोगों को सैमसंग के प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगने लगे और कम रेट में अच्छे प्रोडक्ट लॉन्च करना एक बहुत बड़ी बात थी सैमसंग के लिए। जब सैमसंग के फोन्स, वॉचेस बहुत तेज़ी से बढ़ने लगे और आज दुनिया की नंबर वन कंपनियों में से एक है। अगर हम एप्पल की बात करें तो जो दूसरे सेकंड नंबर पर आते हैं वो सैमसंग ही है। सैमसंग के ही फ़ोन होते हैं जो कि काफ़ी अच्छे होते हैं। उसके ए सीरीज, एस सीरीज बहुत अच्छे सीरीज आते हैं और कर्व लुक के साथ आते हैं, कर्व डिस्प्ले के साथ आते हैं, जो सैमसंग देता है। इस तरीके से लोगों को सैमसंग के प्रोडक्ट, लोगों को सैमसंग के फ़ोन अच्छे लगते हैं और आज हर इंडियन या हर कोई व्यक्ति सैमसंग का फ़ोन यूज़ करता ही है, क्योंकि उसमें क्वालिटी अच्छा देता है सैमसंग। आई होप क्योंकि आपको समझ में आ गया होगी किस तरीके से सैमसंग आज दुनिया की नंबर वन कंपनियों में से एक है, क्योंकि उसने हर चीज़ में अपना टेक्नोलॉजी फील्ड में खुद को ग्रोथ किया और अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट दिया, जिससे लोग उस कंपनी के फ़ोन और गैजेट को यूज़ करते हैं। आई होप जो आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।